अल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, ढेर सारी दवाओं के साथ। हानिया फूड से आज मैं आपके लिए वेजिटेबल एग पराठे की रेसिपी लेके आई, जो लिक्विड फॉर्म में बनेगा पराठा। बहुत मज़े का बनता है ये पराठा, आप इस पराठे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स आएंगे वो आप नोट कर लीजिए। 1 कप के करीब मुझे मैदा चाहिए, 1/2 कप मुझे दूध चाहिए, 2 अंडे चाहिए। आप 2 अंडे भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं, ये आप तक है कि आप कितने अंडे डालना चाहते हैं। 2 टेबलस्पून भर के मुझे हरी प्याज चाहिए, 2 टेबलस्पून मुझे बंद गोभी के बारीक चॉप चाहिए, 1/2 टीस्पून मुझे अदरक बारीक चाहिए चॉप हुए, 1/2 मिर्ची चाहिए हरी, और 1/2 टमाटर मुझे बारीक कटा हुआ चाहिए। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसमें लाल मिर्ची पाउडर और ब्लैक पेपर बिल्कुल नहीं डाल रही। अगर आप डालना चाहते हैं, स्पाइस को ज़्यादा रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। चलिए जी अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले दूध को डालेंगे, हमें अगर पानी की ज़रूरत हो फिर हम पानी भी इसमें ऐड करेंगे। इसमें इसको हमने बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में बनाना है, ठीक नहीं बनाना। हमें जितना और पानी की ज़रूरत होगी हम और इसमें पानी डालेंगे। अब हम इसके अंदर अंडे तोड़ के डालेंगे, मैंने इसके अंदर अंडे डाल दिए हैं। अब हम इसके अंदर सारी सब्जियां डालेंगे और नमक भी, सारी सब्जियां इसमें एक एक करके डाल देंगे। स्पाइस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्पाइस कम रखिएगा। बहुत मज़े का ये लिक्विड पराठा बनता है, छोटे बड़े सब शौक से इसको खाते हैं और बहुत आराम से खा लेते हैं, सबकी फेवरेट ये पराठा होता है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे, उसके बाद हम इसको बनाएंगे। पे हमने घी को अच्छे से लगा दिया है, अब हम इसके अंदर बैटर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बैटर को आपने बहुत अच्छे से फैलाना है। हल्की आंच पर हमने इसको बनाना है, फिर हम आंच तेज कर देंगे। बहुत मजे का बनता है, देखिए अंडे की वजह से साइडों से ऊपर हो रहा है, फूल रहा है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़े का लगेगा ये पराठा। देखिए कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आया है। ऐसे ही एक कम और डालेंगे और सारे तरतीब से ऐसे ही डालते जाएंगे। लिक्विड एग वेजिटेबल पराठा हमारा बिल्कुल रेडी है, बहुत ज़बरदस्त और मज़े का बना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सुबह के नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में आप इसे यूज़ कीजिएगा, स्नैक के तौर पे शाम को चाय के साथ भी आप इसे ले सकते हैं। आपके घर में गेस्ट आ जाए उनके लिए भी आप बनाएं, उनको भी पसंद आएंगे। बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट हमने इस्तेमाल किए, कोई आम रेगुलर पड़ी होती हैं ये चीज़ें, आप उन्हीं से ये सब चीज़ें बना सकते हैं। आपके पास जो भी सब्ज़ी हो, वेजिटेबल हो, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी और खाने में बहुत मज़े की है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। आपकी तरफ से सब्सक्राइब करना और शेयर करना, लाइक करना हमारे लिए एक तोहफा होता है। अब मैं हानिया फूड से आपसे इजाज़त चाहती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।